अरे दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं सुलझाया शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद, पदोन्नति के बिना ही रिटायरमेंट। तो यहाँ पर बरसों की जो है सेवा के बावजूद जो है शिक्षकों को बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। शिक्षक संगठन का कहना है कि यहाँ पर जो विभाग की ओर से वरिष्ठता तय करने में जो है समय लग रहा है, जिस कारण जो है पदोन्नति नहीं हो पा रहे हैं। और जबकि यहाँ पूरे सेवा काल में कम से कम जो है दो पदोन्नति होनी चाहिए, यहाँ तो एक भी पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। अधूरी जानकारी के साथ यहाँ पर मांग लिए स्थानांतरण के आवेदन, तो यहाँ पर देखते हैं सुगम दुर्गम सही जो है कई जानकारी जो है उपलब्ध ही नहीं स्थानांतरण के लिए। कई शिक्षक जो है यहाँ पर, मतलब कोई शिक्षक यहाँ पर नहीं कर पा रहे आवेदन। तो शिक्षकों को पता ही नहीं कि भाई दुर्गम सुगम की जानकारी को लेकर और यहाँ पर जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगते गए हैं, दिक्कतें हो रही हैं आवेदन करने को लेकर। नैनीताल जनपद में शिक्षकों का जो है अनिवार्य स्थानांतरण होना है, और जिनमें शिक्षकों का जो है दुर्गम से सुगम और सुगम से दुर्गम में जो है स्थानांतरण होगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो है अपने पोर्टल पर रिक्तियों की जो है अलावा अन्य कोई जानकारी अभी तक जो है अपलोड नहीं की है, और इस वजह से जो है कई प्राथमिक शिक्षक जो स्थानांतरण का जो है प्रपत्र भी नहीं भर पाए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये एक मामला चला है। रिक्त पदों की जो है भी नहीं है जानकारी, तो प्रपत्र में जो है दुर्गम या सुगम के रिक्तियों वाले जो है यहाँ पर 10 स्कूल के नाम भरने हैं, और स्कूल में जो यहाँ पर हेड अध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पद के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे जो है शिक्षकों में जो है असमंजस की स्थिति बनी है। शिक्षकों ने जो है इस संबंध में जो है विभाग के साथ जो है यहाँ पर पत्राचार भी किया, लेकिन अभी तक जो है कोई आश्वासन नहीं मिला है। और दुर्गम में जो है मौजूद शिक्षकों के पास सुगम में जाने का मौका यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें, यहाँ पर 4 वर्षीय यहाँ पर स्नातक सीधे कर सकेंगे नेट PhD। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि अब 4 साल की जो स्नातक डिग्री वाले सीधे नेट और PhD कर सकेंगे। इसके लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि GRF के साथ या उसके बिना PhD करने के लिए उम्मीदवारों को यहाँ पर स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% का अंक यहाँ पर या समकक्ष ग्रेड की जो है आवश्यकता होगी। और अब तक जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की नेट के लिए जो है उम्मीदवारों को न्यूनतम 55% अंक के साथ यहाँ मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती थी। और TB विभाग में PG की अब एक सीट। तो यहाँ पर देखते हैं मेडिकल कॉलेज जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में TB एवं चेस्ट विभाग में जो है फैकल्टी का भारी संकट है। फैकल्टी की कमी के चलते यहाँ जो राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कमीशन है विभाग ने PG की जो है एक सीट कम कर दी है, और इसे जो है यहाँ पर इससे पहले भी फैकल्टी की कमी से यहाँ पर 3 विभाग की PG की जो है सीट पर जो है गाज गिर चुकी है। और उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की तैयारी, तो यहाँ पर जो है नगर निगम मेयर है और कुल पद 9, इसमें पार्षद के 640 और नगर पालिका अध्यक्ष के पद, इसमें कुल पद 41 और सदस्य 471 और नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ कुल पद 45, सदस्य 302। तो इन पर जो है यहाँ पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर रखी है, और इसमें यहाँ पर जो है अब निकाय चुनाव तैयारी कर रही है। और वही बात करें अतिथि शिक्षक को लेकर, तो अतिथि शिक्षक की मौत पर जो है आश्रितों को 15 लाख दे सरकार संघ। तो माध्यमिक शिक्षा अतिथि शिक्षक संघ ने चुनाव से यहाँ पर लौट रहे अतिथि शिक्षक की मौत पर जो है आश्रितों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि चुनाव से लौट रहे अतिथि शिक्षक अरुण पुरेती को जो है लामा चौर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है थी, और वह गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। इलाज के दौरान जो है यहाँ पर सिसरवाड़ी में भर्ती कराया गया था, उनकी मौत हो गई, जिस पर यहाँ पर अतिथि शिक्षक को मौत के बदले 15 लाख जो है यहाँ पर आर्थिक सहायता देने की मांग करी है। शिक्षक केंद्र सरकार के सामने रखेंगे पेंशन बहाली की मांग। तो अखिल भारतीय जूनियर्स हाईस्कूल शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी और राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने संगठन की पुरानी पेंशन बहाली से जो है अन्य मांगों को लेकर सरकार के सामने रखेंगे। 8:30 को यहाँ पर निकलेगी पहली लॉटरी, तो 21 अप्रैल निर्धारित की गई थी आवेदन की अंतिम तिथि, और 3 मई से यहाँ पर मिलेंगे दाखिले। और इसमें पहली जो यहाँ पर मेरिट, मतलब कि वहाँ पर पहली जो लॉटरी निकलने वाली है 30 मई को निकाली जाएगी। 3 मई से आवेदन होंगे बताया गया है, और 3 मई से जो है होंगे दाखिले। दाखिले इसमें 3 मई से होंगे, जो कि यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है RT के तहत एडमिशन होते हैं उनकी बात चली हुई है। अब 75% पाने वाले अब सीधे
ले सकेंगे पीएचडी में दाखिला, तो यूजीसी नेट के लिए जो है कर सकेंगे आवेदन, प्रस्नातक करने की नहीं होगी बाध्यता, तो बिना प्रस्नातक करे ही आप यूजीसी कर सकेंगे। और एस सी एस टी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5% की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। और 4 वर्ष स्नातक कोर्स के लिए जो है रुझान बढ़ने के लिए यूजीसी ने अहम कदम उठाए हैं। 4 वर्ष के बाद जो है भविष्य किसी भी विषय से पीएचडी, किसी विषय से पीएचडी कर सकते हैं, 4 साल का आपका यहाँ पर भी है स्नातक करने के बाद, और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में जो है सम्मिलित हो सकेंगे। और चुनिंदा श्रेणी के छात्र को जो है 5% की छूट मिलने वाली है। चंपा में मात्र यहाँ पर 338 को मिला 100 दिन का रोजगार, तो प्रदेश में श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार में जो है देहरादून अव्वल और उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर, चमोली तीसरे नंबर पर हासिल हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को रोजगार देने में 100 दिन का जो रोजगार गारंटी है उसके तहत जो है चंपावत में सबसे कम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल पाया है। योग शिक्षक बनने के लिए जो है 1 सीट पर 4 दावेदार, तो यहाँ पर देखते हैं योग शिक्षक बनने के लिए जो आवेदन हुई थी उन पर यहाँ पर बताया गया है कि 1 सीट पर 4 दावेदार बनाए गए हैं और अधिकतम 18,000 इनको मानदेय मिलने वाला है। और मैदानी कॉलेज में जो है नियुक्ति के लिए जो है मारामारी यहाँ पर चली हुई है। 117 जो स्नातक और स्नातक कोर कॉलेज में है उनकी पोस्ट यहाँ पर भर्ती आई थी, उसके लिए बात चली हुई है। और संख्या में कम, मतदान में आगे रही महिलाएं, तो यहाँ पर देख सकते संख्या तो कम है लेकिन यहाँ पर मतदान में आगे महिलाएं रही हैं, जिसमें यहाँ पर महिलाओं की संख्या आप लोग देख सकते हैं पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा प्रतिशत रहा है। यूसीसी जून के अंत तक जो है तैयार होगी नियमावली, तो यहाँ पर देख सकते प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए जरूरी नियम जो है जून के पहले से तैयार हो जाएंगी। आम चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक जो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो संबंधित कमेटी सरकार है नियमावली सौंप देंगे। और विधानसभा ने जो है फरवरी में जो है यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने इसे लागू करने के जो है नियम का काम शुरू कर दिया था। और इसके पूर्व यहाँ पर जो है जो मुख्य सचिव हैं यूसीसी व यूसीसी ड्राफ्ट तय करने वाली कमेटी सदस्य हैं शत्रुघ्न सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो यहाँ पर एक समिति बनाई गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर श्री देशमन विश्वविद्यालय में, श्री देशमन सॉरी श्री देवभूमि में पोस्ट निकाले गए हैं इसमें जो कि देहरादून में है। और इसमें अब लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस सुपरवाइजर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है और कार्यालय परिचालक की पोस्ट है। इन पर यहाँ पर 10 दिन के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा। डिजिटल लाइब्रेरी का जो प्रस्ताव 7 महीने से लटका, तो एमबीपीजी कॉलेज में 5 करोड़ की लागत से यहाँ पर इस पुस्तकालय को बनाने का जो है प्रस्ताव भेजा था प्रपोजल, लेकिन अभी भी इसका काम यहाँ पर लटका हुआ है। बात करते हैं आज जॉब अलर्ट को लेकर, तो 3,712 पदों पर यहाँ पर निकाले गए हैं कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती। इसके लिए यहाँ पर 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, 7 मई तक इसका समय दिया गया है। IIT जोधपुर में निकाले गए हैं 122 पद, तेजपुर विश्वविद्यालय में निकाले गए हैं यहाँ पर 75 यहाँ पर पद, और नवोदय विद्यालय समिति में 500 पद, तो नवोदय विद्यालय में 500 पद की पोस्ट निकाली गई। और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर 24 अप्रैल तक का। उसके साथ यहाँ पर जो है संघ लोक सेवा आयोग में 48 पद निकाले गए हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में निकाले गए यहाँ पर 10 पद, अन्य पद निकाले गए हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।